हेलो एवरीवन आज हमारा टॉपिक है डब्ल्यू के बी मेथड आज हम डब्ल्यू के बी से रिलेटेड सारे सी एस आई आर नेट में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो है पार्ट फिफ्थ इससे पहले मैं आपको चार पार्ट्स में डब्ल्यू के बी पढ़ा चुकी हूँ डब्ल्यू के बी की इंट्रोडक्शन उसको अप्लाई कैसे करते हैं डिटेल सोल्यूशन और एक ट्रिक दी है मैंने लास्ट वीडियो में जिससे हम सारे पी वाई क्यू सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैं वही ट्रिक आज की वीडियोस में अप्लाई करूंगी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जो कि सी एस आई आर नेट में पूछे गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सी एस आई आर नेट जून टू थाउजेंड इलेवन इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल गिवन है ए एक्स की पावर सिक्स ये हमें क्वेश्चन में गिवन है मैंने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा है जो मेन है मैंने वही आपको यहाँ पे दिया है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइन डिपेंडेंसी ऑफ ई एन ऑन एन तो मतलब वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे एन की पावर थ्री बाई टू एन की पावर समथिंग ऐसे करके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम लोग ई एन की डिपेंडेंसी एन पे कैसे निकालेंगे हमने बस वो देखना है और जो हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी जिसमें हमने डिपेंडेंसी ई एन की पढ़ी थी कि एन के साथ क्या होती है वो होती है एन की पावर टू पी अपॉन पी प्लस टू और मैंने ये जो P लिया था वो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन ली थी पोटेंशियल एनर्जी की वो ली थी एल्फा x की पावर P तो यहाँ पे जो ये P है जो हमें गिवन है फिलहाल P की वैल्यू सिक्स तो वो हमारा P होगा और बस हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे n की पावर टू इंटू सिक्स अपॉन सिक्स प्लस टू तो ये सॉल्व करके ट्वेल्व बाई एट आ जाएगा और कटिंग करके फोर से n की पावर आ जाएगा थ्री बाई टू तो ये हमारी डिपेंडेंसी आ गई सिंपली ई एन की ऑन एन दैट इज एन की पावर थ्री बाई टू तो क्वेश्चन में सिर्फ एन की डिपेंडेंसी पूछी है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ ये अगर ट्रिक हमें पता है है कि e N, N पे कैसे डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एस आई आर नेट दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन से उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एल्फा मॉड एक्स वेर एल्फा इज ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव और हमसे ई e एन पूछा है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन में और ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है इसमें हमें पहले पावर्स देखनी है तो अगर तो सारी पावर्स डिफरेंट हैं फिलहाल इस क्वेश्चन में सारी पावर्स डिफरेंट हैं और ये जो कांस्टेंट है ये सेम है तो मतलब हमें सिर्फ फिर से वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ई की डिपेंडेंसी देखनी है एन पे ठीक है तो ये चीज़ को अवॉइड करना है बिकॉज सारे ऑप्शन में सेम है तो बस ई एन की डिपेंडेंसी एन की पावर टू पी अपॉन पी प्लस टू होती है यहाँ पे एन एन प्लस हाफ है इसका मतलब यहाँ पे एन स्टार्ट होगा जीरो से एंड सो ऑन तो बस पी यहाँ पे वन है क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे उस फॉर्मूला से तो बस टू इन टू वन अपॉन वन प्लस टू तो हमारा आंसर आ जाएगा टू अपॉन थ्री पी की वैल्यू वन पुट करके तो फिर से वही ट्रिक यूज़ हुई है ई एन की डिपेंडेंसी एन पे टू पी अपॉन पी प्लस टू तो विद इन फ्यू सेकेंड ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं बट ये तभी होगा अगर सारी पावर्स डिफरेंट दी है तो इसमें पावर्स डिफरेंट थी बट जब पावर्स डिफरेंट नहीं होगी तो कैसे करना है वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी एस आई आर नेट जून टू थाउजेंड सिक्सटीन इसमें सेम लास्ट क्वेश्चन की जैसे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एल्फा मॉड एक्स और चार ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे फिर से वही आ गया कि पावर्स सेम आ गई और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो डिफरेंट हो गई तो इसमें क्योंकि सारी पावर सेम है तो हम एन की डिपेंडेंसी चेक नहीं कर सकते यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को सारा फॉर्मूला ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था ई e एन का फुल फुल फॉर्मूला दैट इज़ एल्फा ब्रैकेट में एन प्लस हाफ एच कट अंडर रूट पाई अपॉन टू एम एल्फा गा फंक्शन वन अपॉन पी प्लस थ्री बाय टू अपॉन गामा फंक्शन वन बाय पी प्लस वन की पावर टू पी अपॉन पी प्लस टू तो यहाँ पे पी है वन लेकिन हम एन की डिपेंडेंसी अकेले नहीं कर सकते बिकॉज वो सारी पावर सेम है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू वन पुट करेंगे ये फॉर्मूला तभी यूज होना है जब एन की पावर सारी सेम दी है तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं मोस्टली डिपेंडेंसी वाले फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हो जाते हैं तो इसमें पी की वैल्यू वन पुट हो जाएगी और हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट इज एल्फा एन प्लस हाफ एच कट एंड सो ऑन अंडर रूट पाई अपॉन टू एम एल्फा गामा फंक्शन वन अपॉन पी होता है यहाँ पे तो पी वन है तो वन प्लस थ्री बाई टू अपॉन गामा फंक्शन वन प्लस वन क्योंकि पी यहाँ पे है वन और पी यहाँ पे वन जब पावर में पुट करेंगे तो आ जाएगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस टू तो आ जाएगा टू बाई थ्री तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इंपॉर्टेंट है अगर सारी पावर्स सेम हो तो बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे इसमें एल्फा एन प्लस हाफ एच कट एज इट इज ये ये ब्रैकेट है अलग से ब्रैकेट है ये पावर के लिए अल्फा ब्रैकेट से बाहर है तो अंडर रूट पाई अपॉन टू एम एल्फा गामा अब ये गामा फंक्शन के अंदर ये सॉल्व करके फाइव बाई टू बन गया फ्रैक्शन और ये हो गया गामा टू तो अब बात आती है कि गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखी है तो ये क्या है गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन गामा एन तो मतलब अगर गामा फाइव बाई टू सोल्व करना है तो यहाँ पे एन प्लस वन अगर फाइव बाई टू है तो एन हो जाएगा थ्री बाय टू और गामा थ्री बाय टू और गामा थ्री बाय टू को सॉल्व करना है तो यहाँ पे एन प्लस वन थ्री बाय टू हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा वन बाय टू तो यह आ जाएगा थ्री बाय टू एन टू वन बाय टू गामा वन बाय टू मतलब ये बस प्रॉपर्टी यूज़ की है और ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए गामा फाइव बाई टू के लिए और ये हो जाएगा थ्री बाय फोर थ्री वन जा थ्री टू टू जा और गामा वन बाय टू आपको याद रखना है वो होता है रूट बाय तो बस गामा फाइव बाई टू आ गया थ्री बाय फोर अंडरवुट पाए तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ थ्री बाय फोर अंडरवुट पाए और गामा टू को अगर सॉल्व करना है तो वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वन गामा वन और गामा वन होता है वन तो मतलब गामा टू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी वन और पावर्स अगर हम सॉल्व करें अब ये अल्फ़ा में अंदर लेके जाऊंगी तो पूरी ब्रैकेट की पावर है टू बाय थ्री और अगर अल्फ़ा अंदर जाएगा तो वो पावर होनी चाहिए थ्री बाई टू बिकॉज तभी वो कट होके अल्फा की पावर वन बचेगा ब्रैकेट से बाहर तो जब मैं अल्फा ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँगी तो वो आ जाएगा पावर उसकी थ्री बाय टू एन प्लस हाफ एज एज इट इज एच कट भी एज इट इज़ पाई यहाँ पे रूट में है तो इसलिए मैंने पावर सभी की स्प्लिट कर दी पाई के रूट के अंदर वाली टर्म्स तो ये आ जाएगा पाई वन बाय टू अपॉन टू की पावर वन बाय टू एम की पावर वन बाय टू अल्फ़ा की पावर वन बाय टू तो ये रूट सारा स्प्लिट हो गया इसको मैंने लिख दिया थ्री बाय फोर अंडरवुट पाए यहाँ से और ये गामा टू हो गया वन और ये पावर पूरी टू बाय थ्री अब हम क्या करेंगे सारी पावर्स को कंबाइन कर लेंगे जैसे अब बेस सेम है एल्फा तो एल्फा दो जगह पे है और पावर डिवाइड डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस तो यह आ जाएगा एल्फा थ्री बाय टू माइनस हाफ फिर एन प्लस हाफ एज इट इज एच कट ठीक है एन प्लस हाफ एज इट इज एच कट अपॉन फोर रूट टू तो ये फोर रूट टू कैसे आया देखो ये फोर लिया और यहाँ पे टू की पावर वन बाय टू ली तो ये आ गया फोर रूट टू ठीक है पाई को कंबाइन किया पाई दो हैं जिनकी पावर्स वन बाय टू और वन बाय टू है और मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया ऐड तो ये आ गया पाई वन बाय टू प्लस वन बाय टू अपॉन में एम ए की है वन बाय टू वो भी डिनोमिनेटर में तो वो एज इट इज़ लिख दिया सारी पावर्स कंबाइन कर दी और यहाँ पर थ्री बचा तो थ्री भी एज इट इज़ लिख दिया और पावर होल कंबाइन पावर है टू बाई थ्री तो वो एज इट इज़ लिख दिया अब इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो थ्री माइनस वन टू टू बाई टू वन ट्वेल्फा की पावर आ गई वन एन प्लस हाफ एज इट इज एच कट एज इट इज़ पाई की पावर सॉल्व होकर वन हो गई फोर रूट टू एज इट इज और एम जो रूट है वो रूट के साथ टू के साथ ही रूट में डाल दिया तो रूट टू एम और एन प्लस हाफ़ तो ये थ्री बाहर आ गया तो ये पावर पूरी अंदर की सारी टर्म्स कंबाइन करके ये आंसर बना और पावर आ गई टू बाई थ्री तो ये हमारा मैच हो गया ऑप्शन बी के साथ तो ये ये वाला फार्मूला भी बस एक फॉमूला याद होना चाहिए फर्स्ट जो शॉर्टकट ट्रिक है वो भी तब जब सारी पावर्स डिफरेंट हैं सेम है और बस फिर उसके बाद ये सिंपली सॉल्व करना है तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एस आई आर नेट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन उस पर भी सिंपल वी दिया है और ई एन की डिपेंडेंसी एन पे पूछी है जैसे बाकी ईयर्स में भी आया है लास्ट अभी हमने देखा तो इसमें पी आ गया सिक्स अगर हम कंपेयर करें वी इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स की पावर पी तो यहाँ से पी आ गया सिक्स बस एन की एन की पावर में तो सॉल्व तो तो हो जाएगा जब आपसे सिर्फ एन की डिपेंडेंसी पूछी है ओके okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें हमारे पास एनए एनर्जी आइगन वैल्यूज ई एन पूछी है पी स्क्वायर अपॉइन्ट टू एम प्लस लैमडा एक्स पावर फोर और डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन उन्होंने एज इट इज बोला है और प्रपोर्शनैलिटी पूछी है बट सिर्फ दो टर्म्स के साथ दैट इज एन और लैमडा लैमडा यहाँ पे इसका कोफिशियंट है एक्स की पावर फोर का तो यहाँ पे बस एन की डिपेंडेंसी और लैमडा की डिपेंडेंसी पूछी है इसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई है तो यहाँ पे वी एक्स लिख लेंगे ठीक है पी स्क्वायर बाय टू एम तो हमें पता ही है तो यहाँ पे वी एक्स लिख लेंगे लैमडा एक्स की पावर फोर ये चीज़ ठीक है और कंपेयर करेंगे इसके साथ जो कि हमें जनरल फॉर्मूला है वी एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स पावर पी ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है एल्फ़ा यहाँ पे लैम्डा हो गया और पी यहाँ पे फोर हो गया कंपेयर कर लिया अब मैंने आपको दो डिपेंडेंसी करवाई है तीन डिपेंडेंसी करवाई है एन के साथ एल्फ़ा के साथ और एम के साथ भी तो यहाँ पर एन के साथ अगर पूछिए तो वो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया ये तो सेम है टू पी अपॉन और अगर एल्फ़ा के साथ पूछिए तो वो आ जाता है टू अपॉन पी प्लस टू ये कैसे आता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा करके बताया अब क्योंकि सिर्फ लैम्डा के साथ पूछी है डिपेंडेंसी ऑप्शनस में हम देख सकते हैं और एन के साथ तो बस कोई वो वाला फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है जो हमने लास्ट किया इसमें सिर्फ डिपेंडेंसी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एन के साथ डिपेंडेंसी होती है टू पी अपॉन पी प्लस टू सिंपली पी की वैल्यू फोर पुट करी तो एन के साथ डिपेंडेंसी आ गई पावर एट बाई सिक्स और लैमडा के साथ मतलब एल्फा के साथ होती है टू अपॉन पी प्लस टू तो यहाँ पे लैमडा एल्फा की जगह लैमडा पुट करेंगे और पे की जगह फोर तो यहाँ जगह टू अपॉन सिक्स दैट इज़ वन बाय थ्री तो ये ई एन की डिपेंडेंसी आ गई एन की पावर एट बाय सिक्स को हमने सॉल्व करके लिख दिया फोर बाय थ्री और लैमडा की पावर टू बाय सिक्स को सॉल्व करके लिख दिया वन बाय थ्री तो मैच कर लेंगे ऑप्शन से तो यहाँ पे एन प्लस हाफ की पावर फोर बाय थ्री ये रहा और लैमडा की पावर वन बाय थ्री ये रहा फोर बाय थ्री दो में है बट लैमडा के साथ अगर चेक करें तो ऑप्शन ए विल बी आर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एस आई आर एटीन इसमें एच की वैल्यू पी स्क्र बाई टू एम प्लस लैमडा मॉड एक्स गिवन है तो फिर से बस वी एक्सचेंज हुआ है और यहाँ पे जो आ, हमारी डिपेंडेंसी पूछी है एनर्जी की वो सिर्फ लैमडा के साथ पूछी है तो ये तो बहुत सिंपल है बस ये फॉर्मूला कि अगर v इक्वल टू एल्फा मॉड एक्स की पावर p होता है तो ई एन की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्फा की पावर टू अपॉन पी प्लस टू तो ये डिपेंडेंसी अगर लर्न है तो बस p की वैल्यू यहां से कंपेयर करके वन पुट करना है तो यहाँ टू बाई थ्री तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर नेट जून टू थाउजेंड नाइनटीन इसमें भी सेम वी चेंज किया है डिपेंडेंसी पूछिए एन पे मेरे को लगता है एन की डिपेंडेंसी तो आपको याद ही होगी गई होगी इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है तो एन की डिपेंडेंसी होती है पावर टू पी अपॉन पी प्लस टू तो यहाँ पे बस पी अगर हम कंपेयर करें तो वो आ जाएगा आर बस तो बस यहाँ पी है जहाँ वहाँ पे आर पुट कर दूँ तो वो आ जाएगा टू आर अपॉन आर प्लस टू तो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल पी वाई क्यूज आए हुए हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में हमें डिटेल फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ा अदरवाइज आप डिपेंडेंसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स तो लास्ट क्वेश्चन हमारा सी एस आई आर नेट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का है इसमें भी एच की वैल्यू गिवन है पी स्क्वेयर बाय टू एम प्लस लैमडा एक्स की पावर थ्री तो यहाँ पे बस अगर हम कंपेयर करें वी से तो वो आ जाएगा एल्फा मॉड एक्स की पावर पी तो पी हो जाएगा यहाँ पे थ्री और एल्फा यहाँ पे लेमडा दिया है बट पूछा यहाँ पे समथिंग डिफरेंट है वो वो क्या है कि हमसे रेशियो पूछा है ई e, एन जैसे हम निकालते हैं ना तो यहाँ पे ई टू बाय ई वन पूछा है बट यहाँ पे एन की वैल्यूज टू वन नहीं गिवन टू तब है जब लैमडा की वैल्यू यहाँ टू है वन तब है जब लैमडा की वैल्यू यहाँ वन है तो मतलब यहाँ पे वेरिएशन है लैमडा अगर टू होगा तो उसको हम उन्होंने नाम दिया है ई टू अगर लैमडा हम वन पुट करेंगे तो उन्होंने उसको ई वन बोला है तो उसका रेशियो निकालना है तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे अल्फा लैमडा है बट लैमडा को उन्होंने फर्स्ट ई टू के लिए टू बोला है और ई वन के लिए लैमडा वन बोला है बोथ केसेज में पी विल बी सेम थ्री जब हम कंपेयर करेंगे उसकी पावर से तो बस अगर ई टू चाहिए तो लैम्डा की जगह जो डिपेंडेंसी है हमारी वो क्या होती है एल्फा पावर टू अपॉन पी प्लस टू तो पी तो यहाँ पे थ्री पुट करना है एल्फा टू पुट करना है जब मैं ई टू निकालूंगी तो वो आ जाएगा टू की पावर टू अपॉन फाइव क्योंकि थ्री प्लस टू फाइव लेकिन जब मेरे को ई वन निकालना है तो जहाँ लैमडा है मतलब यहाँ ब्रैकेट में तो यहाँ लैमडा की जगह वन आ जाएगा और पी सेम रहेगा थ्री प्लस टू और टू अपॉन पी प्लस टू की जगह आ जाएगा टू अपॉन फाइव तो जब e1 है तो यहाँ वन जब e2 है तो यहाँ अल्फा की जगह टू और जब रेशियो पूछा है तो हम दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड तो जब हमने यहाँ पे रेशियो लिया है तो टू की पावर टू बाई फाइव अपॉन वन की पावर टू बाई फाइव रेशियो ही पूछा है और यहाँ पे वन है क्योंकि वन की पावर जो भी करूँ वन आ, जा, आ जाएगा और टू की पावर टू बाई फाइव को आप सॉल्व कर लोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आ जाएगा वन पॉइंट थ्री वन नाइन तो आपने देखा कि हमने सारे पी वाई क्यूज डब्ल्यू के बी से रिलेटेड लेस देन फिफ्टीन मिनट्स में कवर कर लिए और जब जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सिर्फ एक ट्रिक यूज की है उससे ही आपके सारे क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं थैंक यू